believe in democracy. And we believe in the Indian Constitution, the tenets enshrined in the Indian Constitution. And it is for that reason that we are here. और फिर जो हमने नाम जद करवाए FIR में लिखवाए वो FIR में नाम लिखवाए और अब भी बताते हैं हमको वहाँ पे कि उनके आदमी सड़क पर घूमते हैं और उनको अब तक भी गिरफ्तार नहीं किया है और जो और उल्टा हमारे ऊपर ही केस लगा दिया है जबकि नाइंसाफी में हमारे पास कागज़ थे ये कि नहीं कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे जहाँ से हम ले गए थे गायों को और कोई दो चोरी से नहीं दुबका के नहीं ले गए बिल्कुल खुली ले आ रहे थे और नेशनल हाईवे से ले आ रहे थे मगर किसी को भी ना हमारी फिक्र है ना तुम्हारी फिक्र है क्योंकि मैं इंसान नहीं था क्योंकि तुम इंसान की माँ नहीं हो हमें कोई पाकिस्तानी कहकर भाग भी नहीं रहा और ना कोई तिरछी नज़रों से घूर रहा है पहलू खान को इनकी बूढ़ी माँ बहुत याद आ रही है इसलिए वो थोड़ा गमगीन है That is the strategy to scare everybody, to create an environment where people forget protesting. That my name has Muhammad in it, or for that matter, Ahmed in it, or Khan for that matter. And they're coming up to me and they're just trying to lynch me. That's the whole point of me coming here. कि हाँ भैया गलत हो रहा है हम लोगों के साथ. IAS बनना है, IPS बनना है. इस माहौल से नहीं बन सकते. इस माहौल से हम नहीं services में जा सकते. इस माहौल में हम अपना काम आराम से नहीं कर सकते. कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब दलित या मुस्लिम पर हत्या का अटैक ना होता हो तो आदमी मार दे रहे हैं लेकिन गाय की भलाई के लिए वो जिंदा रहे खुशहाल रहे उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे और यस आज टारगेट मुसलमान है पर दूसरे जो लोग समझते वो बच जाएंगे वो नहीं बचेंगे जितना ज्यादा लोग समझेंगे कि कोई जुनैद की हत्या नहीं हुई है ये हमारे बोलने और जीने के अधिकारों की हत्या हो रही है खाली प्राइम मिनिस्टर के विदेश में घूमने के लिए बने हैं अगर उनसे काम नहीं होता तो इस्तीफा देते हैं सरकार चलाने वाले तो बहुत है उनसे पहले भी कई लोगों ने सरकार चलाई है एंड फॉर दिस द प्राइम मिनिस्टर मस्ट कम एंड से ओपनली दैट व्हाट इज हिज स्टैंड वेदर ही इज देयर विद द लिंचिंग मॉब और ही इज फॉर द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री वी हैड वेरी हाई होप्स फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी वर होपिंग दैट द मोमेंट ही टेक्स अ पोजीशन ऑन दिस देयर विल बी very immediate impact on this. He did speak about this issue, by the way. He called these people the Gorakshaks goons as well at some point. But what we've seen is that there has been no response. और ये अब एक तरह की आपात स्थिति है इस स्थिति में अगर सड़कों पर लोग नहीं निकलेंगे तो हालात मतलब निकलने के बाद भी हालात ठीक होंगे या नहीं हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते लेकिन कम से कम निकलना तो जरूरी है I mean, this is a small gesture, very important, but this will not suffice. We have to go beyond this.